हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, डी प्लस बी टी जी टी नेचुरल साइंस में ग्रेजुएशन से हमें एक यूनिट कंप्लीट करनी है जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसके तीन टॉपिक मैं आपको टोटली कंप्लीट करा चुकी हूँ। वो टॉपिक थे एंजाइम्स, मैक्रो इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में आपको टोटल 10 ग्लैंड्स पढ़ने हैं, जिसमें से हम हाइपोथैलेमस को कंप्लीट कर चुके हैं, पिट्यूटरी को कंप्लीट कर चुके हैं, पीनियल को कंप्लीट कर चुके हैं और थायराइड ग्लैंड को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट होता है। सो आपको पता है, हमारा जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है वो हमारे नेक के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक लोब में दो पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसकी बैक साइड को अगर आप देखोगे तो दो लोब्स है थायराइड ग्लैंड में और हर एक लोब में दो दो आपको दिखाई देंगे। यानी कि टोटल कितने ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी नेक रीजन में। और थायराइड ग्लैंड के कितने लोब्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं और हर एक लोब में दो दो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, किसके, पैराथायराइड ग्लैंड के। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, एक पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, पैराथायराइड हार्मोन है। ठीक है, तो आपका जो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है वो किस बेसिस पे रिलीज होता है, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कितना है, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल कितना है, उसके बेसिस पर पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है। ये देखिए हमारा थायराइड ग्लैंड, इसके दो लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हर एक लोब में आपको दो दो पैराथायराइड ग्लैंड दिखाई देंगे। तो टोटल हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड कितने हैं, टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं और थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में दो दो प्रेजेंट रहते हैं। अब हमें देखना है जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन है जिसे कौन रिलीज करता है, पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, उसके फंक्शंस क्या है। तो हमारा जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो हमारे ब्लड के अंदर है ना कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। Ca2+ के लेवल को इंक्रीज करना, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना किसका फंक्शन है, पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन है। उसके अलावा आपकी जो बोन्स होती है उनके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, आपके बोन्स के अंदर से कैल्शियम को रिजॉर्ब करने का फंक्शन, जिसे हम डीमिनरलाइजेशन भी बुलाते हैं, ये काम भी कौन करता है, हमारा पैराथायराइड हार्मोन करता है। उसके अलावा आपके जो भी किडनी में कैल्शियम लेवल बाहर जा रहा होता है, जब हम किडनी के फंक्शंस को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड प्रेजेंट है उसे फिल्टर करके यूरिन बनाने का काम हमारी किडनी करती है। तो उस टाइम है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल भी हमारी बॉडी से बाहर जा रहे होते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट मिनरल कैल्शियम भी होता है। लेकिन कैल्शियम हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर ना जाए उसको रीअब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, पैराथायराइड हार्मोन करता है। यानी कि जब आपकी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और बहुत सारा कैल्शियम बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने वाला होता है यूरिन के थ्रू, तो क्या करता है, हमारा पैराथायराइड हार्मोन आता है और वो क्या करता है, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है रीनल ट्यूब्यूल्स की मदद से। ठीक है, उसके अलावा जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है, आपको पता है हमारे फूड के थ्रू भी हम क्या कंज्यूम करते हैं, कैल्शियम लेवल को कंज्यूम करते हैं। तो हमारे फूड के अंदर से हमारे बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है, हमारी जितनी भी बोन्स हैं, उन सब के अंदर से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, पैराथायराइड हार्मोन करता है। अब पैराथायराइड हार्मोन ऐसा क्यों करता है, ताकि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन रख सके। मैंने आपको बताया था कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके ब्लड की फंक्शनिंग, आपके ब्लड के सही फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम चाहिए, आपके मसल की मूवमेंट के लिए कैल्शियम चाहिए, आपके जो टीथ है, आपकी जो बोन्स है, इन सब की अच्छी हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जो भी कैल्शियम आपने खाया अगर वो बॉडी से ऐसे ही बाहर जाता रहेगा तो आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस रुक जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बहुत सारा पेन की शिकायत कर रहे होते हैं, डॉक्टर आपको कहता है कि आपका है ना कैल्शियम लेवल चेक करना होगा, यानी कि आपकी बोन्स जो है वो वीक हो रही है, उनमें कैल्शियम की जो है कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कैल्शियम लेवल है उसे मेंटेन रखने की कोशिश करता है, जितना भी कैल्शियम हमारी बॉडी से बाहर जा रहा होता है उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। उसके अलावा हमारा, कल मैंने आपको एक ग्लैंड के बारे में पढ़ा
था थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, TCT बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना आपकी बॉडी में कैल्शियम बैलेंस करने में उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल मेंटेन करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एक है TCT जिसे थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है और दूसरा है पैरा थायराइड हार्मोन जिसे कौन रिलीज करता है, हमारा पैरा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा पैरा थायराइड ग्लैंड जो है कंप्लीट हो गया। तो हमारी ब्रेन के अंदर और हमारे नेक के अंदर जितने भी ग्लैंड प्रेजेंट थे वो सब हमारे कंप्लीट हो गए हैं। होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।